हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विक्रम और स्वागत करता हूँ आपको यू इन्फो फैक्ट्स चैनल पे, जहाँ पे आप हर रोज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर अपडेट आपके पास पहुँच सके। दोस्तों, क्या आपके मन में भी गाड़ियों के नंबर प्लेट के कलर्स को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहती है, या फिर बचपन से आपको ये सवाल खाए जा रहा है कि आखिर इनका मतलब होता क्या है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। और ऐसा सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से अनजान है कि इन गाड़ियों का नंबर प्लेट का कलर के साथ क्या कनेक्शन है। तो हम इस वीडियो में आज इसी के बारे में बात करेंगे। और जब हम फ्रूट मार्केट में फ्रूट लेने जाते हैं तो फ्रूट्स पे लगा स्टिकर को हम बहुत ही इग्नोर करते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप उन फ्रूट्स को इग्नोर नहीं करोगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो राज बताऊंगा जो कि शायद आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आपने लाइफ में कभी भी टैक्सी, ऑटो या किसी भी पैसेंजर व्हीकल से सफ़र किया है तो आपने ये बात नोटिस ज़रूर की होगी कि उनके नंबर्स प्लेट येलो कलर के होते हैं और उन पे ब्लैक कलर से नंबर्स लिखे होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह के नंबर प्लेट्स का मतलब ये होता है कि इन गाड़ियों को ड्राइवर्स के अर्निंग के लिए बनाया गया, जो कि ड्राइवर्स अर्न कर सकते हैं इस तरह के गाड़ियों को चलाकर, और वो अपनी फैमिली को चला सकते हैं। और इस तरह के गाड़ियों को चलाने के लिए उनके पास परमिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर परमिट नहीं है तो वो इस गाड़ियों को नहीं चला सकते। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी व्हीकल को रेड कलर के नंबर प्लेट के साथ व्हाइट कलर से लिखा हुआ नंबर्स देखते हैं तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाना कि ये व्हीकल्स या तो टेस्ट पे है, या तो मैन्युफैक्चरर जो कि कंपनी के होते हैं वो इस गाड़ी को प्रमोशन के लिए दौड़ा रहे हैं सड़क पे। नेक्स्ट, अगर आपके पास अपना कोई पर्सनल व्हीकल है तो आपको पता ही होगा कि उसका नंबर प्लेट वाइट होगा और उस पर ब्लैक कलर के नंबर्स होंगे। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपका वो गाड़ी प्राइवेट है, यानी कि उससे अर्निंग करना पूरी तरह से बैंड है। नेक्स्ट, अगर आपको कभी भी इमरजेंसी के लिए कार, बाइक या फिर अन्य कोई भी व्हीकल्स चाहिए होता है तो आप सीधा सेंटर्स के पास जाते हो जो कि व्हीकल्स को रेंट पे देती है। और अगर आपने ऐसा किया है तो आपने ये नोटिस की होगी कि उन गाड़ियों के नंबर प्लेट ब्लैक होते हैं और उस पे येलो कलर से नंबर्स लिखे होते हैं। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आप इस गाड़ी को भाड़े पे लेके गए हैं और इसके लिए आपको कोई भी परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, दोस्तों, अगर आप ये सपना देख रहे हैं कि मैं एक ऐसी गाड़ी में चढ़ूँ जिसका नंबर प्लेट रेड और उस पे नंबर्स गोल्डन कलर से लिखे हो, तो मैं आपको बता दूं, ये सपना आपका शायद सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इन गाड़ियों को बहुत ही बड़े हाई पोस्ट वाले लोग ही यूज करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, चीफ और बहुत ही ज़्यादा हायर पोजीशन वाले लोग। और आपने गलती से भी अगर इस तरह के नंबर प्लेट्स लगाए और अगर पकड़े गए तो शायद आपको लीगल एक्शन के द्वारा बहुत ही कड़ी सजा भी दी जा सकती है। तो दोस्तों, बच के रहना थोड़ा। नेक्स्ट, दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिर से कहीं ये सोच रहे हैं कि मैं एक ऐसी गाड़ी में चढ़ूं जिस पे वाइट कलर से नंबर्स लिखा हो, तो मैं आपको बता दूं ये भी पॉसिबल नहीं है अगर आप जनरल पीपल हैं तो, क्योंकि इस तरह के कार्स या फिर व्हीकल्स सिर्फ और सिर्फ रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी ही यूज़ करते हैं। और इस तरह के गाड़ियों की स्पेशलिटी ये है कि इनकी नंबर प्लेट के शुरू में ही एक
एरो बना होता है जिसका सर ऊपर की तरफ होता है। तो दोस्तों इसी नॉलेजेबल फैक्ट्स पे एक लाइक तो बनता है यार। और अगर आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं तो अगले फ्रूट वाले फैक्ट्स के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो चलिए फ्रूट्स की फैक्ट की ओर। दोस्तों हम सब अपने अपने हेल्थ को लेकर हमेशा काफ़ी कंसर्न रहते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम बहुत ही सारी बीमारियों से बच रहे हैं, और ऐसा होता ही है। लेकिन जब भी हम फ्रूट मार्केट में फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो हम एक बहुत ही बड़ी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारे हेल्थ को डैमेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रोल खेलता है। लेकिन आज के बाद से आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रूट्स पे लगे स्टिकर के बारे में। दोस्तों आज के बाद से आप जब कभी भी फ्रूट्स मार्केट में फ्रूट खरीदने जाना तो उन पे लगे स्टिकर्स को ध्यान से ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उन पे लगे स्टिकर्स ही उस फ्रूट के पूरे डिटेल के बारे में जानती है और बताती भी है, जो कि हम कभी भी ध्यान ही नहीं देते और उसकी वजह से हम लोग अपने हेल्थ को बिगाड़ रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उन स्टिकर्स पे उस फ्रूट की दाम, क्वालिटी और बहुत सारे जैसे कि एक्सपायरी डेट भी लिखा होता है, और उसके साथ साथ एक PLU कोड यानी कि प्राइस लुकअप कोड लिखा होता है, जो कि उस फ्रूट की क्वालिटी को दर्शाता है। और हर कैटेगरी के फ्रूट्स अनुसार उनके अलग अलग PLU कोड भी होते हैं, जो कि आज के बाद से आपको पूरी तरह से ध्यान से देखकर ही खरीदना है। और इन PLU कोड के बारे में मैं आज बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने फ्रूट्स खरीदते वक्त कुछ ऐसे फलों को सिलेक्ट किया है जिनके स्टिकर पे 5 नंबर का PLU कोड है, और वो अगर 9 से शुरू होता है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो फल पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, क्योंकि वो फुली ऑर्गेनिक फ्रूट है। जी हाँ, इस तरह के फ्रूट्स आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और अगर आप कुछ ऐसे फलों को सिलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर 5 नंबर का ही PLU कोड है, लेकिन अगर स्टार्ट होता है 8 से, यानी कि 8 से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो फुली ऑर्गेनिक नहीं है। जी हाँ, उस फल में किसी न किसी तरह का रसायन प्रयोग किया गया है, और थोड़े ऑर्गेनिक और थोड़े इनऑर्गेनिक के गुण भी उसमें हैं। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे फल को सिलेक्ट किया है जिसके ऊपर 4 नंबर का यानी कि 4 नंबर्ड स्टिकर है, तो समझ जाना ये फल पूरी तरह से इनऑर्गेनिक है, और इस तरह के फल हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और इस तरह के फल हमें बहुत ही आसानी से सस्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से केमिकलाइज्ड हैं। तो फैसला आपको करना है कि पूरी तरह से स्वस्थ खाने के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है कि उस फ्रूट के ऊपर 9 नंबर से शुरू हुआ 5 नंबर का स्टिकर ही लगा होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसमें बताए गए फैक्ट्स के बारे में आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी, दोस्त या फिर रिलेटिव्स हेल्दी रहे, तो इस वीडियो को उनके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल फैक्ट्स वीडियो के लिए स्क्रीन पे दिखाए गए वीडियो पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।